महत्वाचा एक प्रश्न आहे, वातावरण सगळ्यांना माहित असतं, इन केस विंडी वातावरण असलं तर हे ड्रोन किती विंड पर्यंत ड्रेन करू शकतो? किलोमीटर पर आवर पर्यंत तो रिझिस्ट करू शकतो. आणि पण ऍक्च्युली आता टेक्निकली तुम्ही विचारलं, मी सांगतो, ड्रोन दुपारी गिपारी मारल्यावर तेवढं स्प्रे होत नाही. वन ऑफ द बेस्ट. जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम, आज आया हूँ कृषि विज्ञान केंद्र में. यहाँ पे कृषि मेला लगता है हर साल, पर पैंडेमिक के कारण मेला नहीं लग पाया, तो अब 2022 में मेला लगा है. और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ऐसे बहुत से एकड़ एकर्स में कम से कम 5 से 10 पार्किंग है. और यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं कृषि विज्ञान को जानने. यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ एग्रीकल्चर को किस तरह बेहतर कर सकते हैं उसके विषय में बहुत सी जानकारी दी जाती है. तो चलिए मैं आगे मंजिल पर पहुंच के आपको आगे के नज़ारे दिखाता हूं. दोस्तों, गेट के एंट्रेंस पे ही टिकट काउंटर है. यहाँ पे 50 रुपीज़ दे के आप एंट्री पा सकते हो. पर पर्सन 50 रुपीज़ चार्ज है. यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, जैसे कि आपका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस. साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे फर्स्ट एड भी अवेलेबल होता है बराबर एंट्रेंस गेट के बाजू में. तो अगर किसी कारणवश आपको डॉक्टर या फिर डॉक्टर सहायता की ज़रूरत है तो गेट के अतराफ में ही आपको जो है फर्स्ट एड किट मिल जाएगा. साथ ही साथ एंट्रेंस करने से पहले एंट्रेंस गेट के आसपास ही आपको मैप दिखाया जाता है. ये मैप आपको गाइड करेगा कि आपको KVK में कहाँ पे क्या चीज़ें उपलब्ध मिल जाएंगी, तो आप अपने अनुसार जो है अपना टाइम बचा सकते हैं और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो दोस्तों, फाइनली हमने KVK की टिकट निकाल ली है. एक जन की एंट्री फी 50 रुपीज़ है. और जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हम गेट से एंट्रेंस लेने वाले हैं, तो यहाँ पे आधार कार्ड से एनरोल करना होता है और उसके बाद आपको टिकट मिलता है 50 रुपीज़ पर हेड. तो चलिए अंदर पहुँच के अंदर के नज़ारे दिखाता हूँ सिक्योरिटी चेक इन क्लियर करके. सो दोस्तों, फाइनली हम अंदर पहुँच चुके हैं और ये इस लेन का पर्टिकुलर लेन का मैप है. और इस मैप के जरिए आपको पता चल सकता है कि आपको एग्जैक्टली क्या विजिट करना है और वो कहाँ पे आपको मिल पाएगा. ठीक है, और यहाँ पे विक्री केंद्र है, देखिए आप देख सकते हैं. और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सी चीजें मिलेंगी. देखिए गेंदे का फूल, पोटे गेंदे तो फूल है ना, तो ये गेंदे का फूल है और अलग अलग प्रकार के फूल भी है. उसके साथ साथ ये देखिए ये गोभी है. किस तरह एग्रीकल्चर किया जाता है, किस तरह फार्मिंग की जाती है, इसकी विस्तार में आपको यहाँ पे जानकारी मिल पाएगी. अगर आप एग्रीकल्चर से दिलचस्पी रखते हैं या जिंदगी में किसान बनना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है, जहाँ पे महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बाहर से भी लोग आते हैं इस मेले को, इस कृषि मेले को जो है टमेटो अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए. और ये देखिए ये टोमेटो है, आपको दिख पा रहा है, ये देखिए ये टोमेटो है. चलिए फिर आगे मैं दिखा दूं आपको. दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये है भोपड़ा. ये देखिए, लुक एट द साइज माशाल्लाह. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं किस तरह का एटमॉस्फेयर सेट किया गया है. और ये भोपड़ा आपको नजर आ रहा है, काफी ऑर्गेनिक तरीके से जो है इसकी फार्मिंग की जाती है. यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि इंडिया वाकई में एग्रीकल्चर में बहुत आगे है. ये जो टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज होती है यहाँ पे आपको ग्रूम अप किया जाता है. लोग आपको अलग अलग फर्टिलाइजर कंपनी से लेके जितने भी सीड और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी यहाँ पे एक्सपर्टीज आपको मिलती है. अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको कुछ देर पहले भोपला नजर आ रहा था, पर इसके साथ साथ आपको यहाँ पे करेला भी नजर आ रहा होगा. आप ध्यान से देखें और देखिए ये देखिए, दिख रहा आपको, देखिए करेला, आप देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत है और क्या सही तरीके से जो है बेल को एग्जीक्यूट किया है. दोस्तों देखिए, अब आप आपके स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, देखिए कितनी खूबसूरत कैबेज है, आप देखिएगा. और इतनी बड़ी कैबेज है, आप सोचिए कभी मार्केट में आपको इतनी बड़ी कैबेज मिली है? और अगर इतनी बड़ी कैबेज अगर आपको मिल जाए तो आप क्यों नहीं खरीदेंगे ये गोभी खाने के लिए, सोचे. तो इस तरह की गोभी की फार्मिंग अगर इंडिया में ज्यादा होगी तो देर आर चांसेस कि एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा स्कोप मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर कर पाएंगे. तो इसकी विस्तार में जानकारी आपको कृषि विज्ञान केंद्र के इस 2022 के मेले में मिलेगी.
तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में रेड कैबेज है, लाल गोभी। आप में से कितने लोगों ने लाल गोभी देखी है मुझे फ्रैंकली बताएं। देखिए क्या आप में कभी किसी ने लाल गोभी देखी है? सोचिए, वहां पे सादी गोभी और यहाँ पे लाल गोभी। हम में से कई लोग हैं जिन्होंने लाल गोभी कभी ऑब्जर्व नहीं किया। तो एग्रीकल्चर को हम एक स्टेप और आगे लेके जा सकते हैं, और ये तब होगा जब हम एग्रीकल्चर के साइंस को समझेंगे। और साइंस को समझने के लिए हमने इस तरह के मेला में, इंस्टीट्यूट में, एक्सपो में, एग्जीबिशंस में हमें ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारे नॉलेज बढ़ता है। हम यहाँ की टेक्निकल एक्सपर्टीज लेके जो है ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हैं। अब आप देखिए ना, देखिए किस तरह हेल्पलाइन सेंटर्स लगे हुए हैं वहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ पे डेमोज भी हैं और यहाँ पे किसान एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और बात करने के बाद जो है यहाँ पे किसान जो है अपनी एग्रीकल्चर को और भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपके स्क्रीन के सामने ये जो झाड़ नजर आ रहा है, आप दूर दूर तक ये झाड़ देख पा रहे हैं, और गौर से अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या आप देखते साथ मुझे बता सकते हैं ये झाड़ काहे का है? और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये वो झाड़ है कि जिसका बाई प्रोडक्ट हमारे में से हर किसी के घर में आपको मिल जाएगा। गैस कीजिए। और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये है ब्रूम प्लांट। ब्रूम प्लांट यानी कि झाड़ू। हर इंसान के घर में आपको ये ब्रूम प्लांट मिल जाएगा। तो इसकी भी फार्मिंग कैसे की जाती है, इसकी भी विस्तार में जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो एक बार आप ज़रूर इस तरह के एक्सपो को विजिट करें। सो दोस्तों, जैसे ही आप इस लेन से, एंट्री गेट से अंदर आते हो, इसी जगह पे आपको एक सेल्फी पॉइंट मिलता है। अब आप देख पा रहे हैं ये सेल्फी पॉइंट है जहाँ पे अक्सर लोग आके फोटोज खींचते हैं और हैशटैग का ट्रेंड चलाते हैं, इंस्टाग्राम में जो है पोस्ट करते हैं। पर यहीं से आपको राइट तरफ जाने के लिए भी एक रास्ता नजर आता है और लेफ्ट तरफ कुछ नहीं है। तो जब आप ये राइट तरफ जाएंगे तो यहाँ पे कई डिपार्टमेंट्स हैं, कई इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिल जाएगी, और ये इन्फॉर्मेशन बोर्ड है। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल जानकारी मिल जाएगी कि आपको इस तरफ क्या क्या अवेलेबल होगा। देख पा रहे हैं आप? चलिए फिर आगे चलते 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 मैं आपको ये बता दूं कि कृषि विज्ञान केंद्र के कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, साथ ही साथ मैंने लोकेशन की इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। आप ज़िंदगी में एक बार ज़रूर कृषि विज्ञान केंद्र आएँ, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपका बिज़नेस एग्रीकल्चर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा है तो यहाँ पे आप अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए आपको मैं ग्रूम करूँगा, साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताऊँगा कि आपके लायक इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके एग्रीकल्चर को, आपके बिज़नेस को एनहांस कर सकती हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प को चेक कर सकते हैं और अपने पसंदीदा टॉपिक को डायरेक्टली एक्सप्लोर कर सकते हैं बगैर पूरा वीडियो देखे। तो चलिए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको अमेजिंग चीज़ें इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए दिखाएंगे। दोस्तों, आप सब देश के हालात से वाकिफ़ हैं, किस तरह बेरोज़गारी अपने चरम सीमा पर, और ऐसे में उद्योग एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो आपको रोज़गार में फ़ायदा तो पहुँचाएगा ही, साथ ही साथ आप अपने बिज़नेस को आगे भी बढ़ा पाएंगे। ऐसे ही एक आपके स्क्रीन के सामने बिज़नेस आपको नज़र आ रहा है जो कम इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हैं, शुगर केन पिलर यानी कि गन्ने का रस निकालने वाली यह मशीन। ये मशीन ड्यूरेबल है, पोर्टेबल है, और इस मशीन का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है। अगर आप भी गन्ने के जूस, गन्ने के रस का व्यापार करना चाहते हैं तो आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं, यह अवश्य आपकी सहायता करेंगे। किसानों को अक्सर इस बात की शिकायत होती है कि हमारे पास जो ज़मीन है वहाँ पे पानी की काफ़ी किल्लत है। तो ऐसे में हाल ही में चलन में चलने वाला फ्रूट ड्रैगन फ्रूट, ये एक कैक्टस पौधा है, इसका आप वापर करके बंजर ज़मीन पे भी आप इसका पालन पोषण कर सकते हो। और ड्रैगन फ्रूट को पालन पोषण करने के लिए पानी की लागत ना के बराबर होती है। तो आपके स्क्रीन के सामने हम आपको नंबर डिटेल शेयर कर देंगे, यहाँ पे आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये अवश्य आपकी सहायता करेंगे कि किस तरह इस कैक्टस को लगा के जो है आप मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आपकी ज़मीन में पानी की शिकायत है, पानी की किल्लत है, तो भी आप अपने रोज़गार में बढ़ोतरी कैसे ला सकते हैं, इसी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में आना ज़रूरी है। तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट करें और अपने बिज़नेस को बढ़ाएँ।
आपके स्क्रीन के सामने जो पवेलियन आपको नजर आ रहा है, इस पवेलियन का नाम रखा गया है डॉक्टर अप्पा साहेब पवार एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पवेलियन। इस पवेलियन में आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल पाएगी, जिससे आपके एग्रीकल्चर एनहांस हो पाएगा। अब बात करते हैं अप्पा साहेब पवार की। डॉक्टर अप्पा साहेब पवार करंट खासदार यानी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से, शरद राव चंद्र राव पवार इनके भाई का नाम है और इनके भाई के नाम से ही ये पवेलियन खोला गया है। इस वीडियो में मैं किसी बड़े ब्रांड को प्रमोट नहीं करूंगा, उसकी वजह यह है कि इनके पास अपनी खुद की पीआर टीम होती है प्रमोशंस के लिए। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को प्रमोट करूंगा इस पवेलियन में जिस व्यक्ति को प्रमोशन के लिए आप जैसे और हम जैसे लोगों की सहारे की ज़रूरत है और जिनके ब्रांड में वाकई में दम है और जो आम आदमी तक पहुँचना चाहिए। आप में से कई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिन्हें सही प्रमोशन ना मिलने के कारण प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट जो है बिक नहीं पाता। आप में से कई लोग शार्क टैंक्स वगैरह देखते हैं, ये ऐसी सीरीज़ है जो नए एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्टअप्स को जो है सपोर्ट कर सके, प्रमोट कर सके, पर इनमें कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसी के लिए इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं उन्हें प्रमोट कर रहा हूँ। आपण आज एक्झिबिशन मध्ये बुकिंग केलं 500 रुपये भरून 24,500 रुपये भेटला आपल्याला। एक वर्ष वॉरंटी आहे, 4 वर्षापर्यंत घरपोच सर्व्हिस फ्री आहे, होम डिलिव्हरी फ्री आहे। आणि प्रोडक्शन किती निघत? एका तासामध्ये 4 ते 5 किलो आणि दिवसात 40 ते 50 किलो। आणि कुठलंही म्हणजे तेल काढू शकता, शेंगदाणा, तीळ, जवस, मोहरी, करडी, सूर्यफूल, बदाम, कोणतंही तेल काढू। आणि ऑलिव्ह ऑइल? ऑलिव्ह नाही काढू शकत ना? ऑलिव्ह नाही, शुद्ध शेंगदाणा तेल आले, कोणतीही भेसळ नाही, 100% प्युअर ऑइल, अनरिफाइंड, थोडक्यात अनरिफाइंड, नॅचरल। रिफाइंड म्हणजे काय निघेल, मेंटेनन्स काहीच नाही सर। तेल काढून झाल्यानंतर फक्त एवढा स्क्रू धुवून टाकायचा, हा SH304 चा स्क्रू आहे, आयुष्यभर गजणार नाही, झिजणार नाही, खराब होणार नाही, काय। स्टेनलेस स्टील 304 आलेली पेन भाजीमध्ये, चटणीमध्ये, लाडूमध्ये, चिक्कीमध्ये कुठेही वापरली नाही, पूर्णपणे ड्राय झालेली पेन आहे। माहिती पत्र संपले सर 2 तासामध्ये, आवडलं असेल तर आपण 500 रुपये भरून बुकिंग करू शकता, बाकीचे पैसे घरपोच डिलिव्हरी भेटल्यावर देऊ शकता। याचा पॅम्पलेट आहे का? कितीला आहे? 28,500 डिस्काउंट करून 24,500। आणि इन केस हे एक्सपोज आल्यानंतर जर कोणाला संपर्क करायचा असेल तर वेबसाईट वर बुकिंग आहे का? काय आहे ना वेबसाईट वरती बुकिंग नाही, पुणे बेस्ड कंपनी आहे। पुणे बेस्ड कंपनी सर। अब मैं आपको एक ऐसी माताश्री से मिलाऊंगा जिनकी उम्र को देख के आपको नहीं लगेगा कि वो एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, पर इस महिला ने सन 2000 से खुद भी मेहनत की है और साथ ही साथ अपने गांव में जितनी महिलाएं हैं उनको भी वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब बताया है। मावशी, चिकन मसाला बरोबर बिर्याणी मसाला अजून काय काय तुमच्याकडे? आणि हे तुम्ही स्वतः बनवता का? आणि हे तुमचंच काढताय? म्हणजे एखाद्यानं कोणाला कॉन्टॅक्ट करायचं असेल तर डायरेक्ट तुमच्या ह्या नंबरवर करू शकता। आणि ह्याच्यावर मसाल्यावर नंबर दिलेला आहे मी, कारण कसं आहे का महिलांना किचनमध्ये जरी कसा वापरायचा तर हे जर माहिती पाहिजे असेल तर मग त्याच्याकरता हा माझा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे, स्वतः मीच बोल। आणि ताई, किती वर्षापासून आपण करता हे? 2000 सालापासून करतोय सर आपण। 2000 म्हणजे 22 वर्ष झाले? हा 22 वर्ष झाले। 2000 सालापासून 2004 पर्यंत बचत गट आणि नंतर सहकारी संस्था करून आता जवळजवळ त्याच्यात 225 येते, 225 पुढे 225 येत आणि घरोघर जाऊन जे सबलीकरण झालंय ते 6,500 महिलांची झाली। आणि ताई, आता किती लोक काम करतात आपल्या बरोबर? आपल्या बरोबर आता हे कोरोनाच्या काळामध्ये बरेच लोक कमी झाले, नाही तर 40-45 महिला काम करत होत्या 3 शिफ्ट मध्ये, तर आता सध्या आताची परिस्थिती सुधारत चालली आहे, आता सध्या 20-22 महिला काम करतात।
तो वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो इस तरह का बिजनेस ये महिला ने पिछले 2000 मतलब सन 2000 से 22 साल से महिला ये व्यापार कर रही है। मैं आप सबसे कहूँगा कि अगर आप मसाले के शौकीन हैं और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, तो इस माता श्री को, इस बहन साहिब को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन में दिया गया है। आप बड़े बड़े जो ब्रांडेड कंपनीज होते हैं उनके मसाले लेते हैं, पर आप इनके मसाले क्यों नहीं लेते? मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि आप ऐसे लोगों को जरूर प्रमोट करें, ये मेहनत करते हैं, ये अपने देश के रोजगार, देश को आगे बढ़ाते हैं, देश में रोजगार बढ़ाते हैं, और जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन होता है ना, उनके लिए एक बेहतरीन और उत्कृष्ट उदाहरण है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि आप प्लीज़ और प्लीज़ इन्हें संपर्क करें। अगर आप अपने घरगुती मसालों को लेना चाहते हैं, अपने खानों को इन्हांस करना चाहते हैं, तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सगळे पिरनी यंत्र का सर्व पिरनी आणि काय स्पेसिफिकेशन्स? हे दोन ओळीतलं अंतर 4 इंच जम्बो म्हणून मॉडेल आहे। हा, जरा जोरात बोला प्लीज। दोन ओळीतलं अंतर याचं 4 इंच आहे। ओके, दोन बिया मधलं अंतर तुम्ही 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच ठेवू शकता। हा, आणि याचं जे आहे ते दोन ओळीतलं अंतर तुम्ही 5 इंच, 5.5 इंच पासून पुढे किती करू शकता, हे ऍडजस्टेबल आहे। ओके, हा, आणि हे जे आहे नर्सरी साठी फर्स्ट 5 म्हणून। ओके, हे सगळे मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया, तर मोस्टली चायना पण येते याच्यामध्ये? सर्क्युलर पूर्ण चायना नाही, पूर्ण भारतीय मेड आहे, आणि याचे सर्व प्रॉडक्टचे पेटंट आहेत आपल्याकडे। आणि वॉरंटी बेसिस इन केस सगळे सायला तुम्हाला ठीक आहे, वॉरंटी पेटंट आहे, सगळे इंडियन मेड आहे। पॅम्पलेट आहे, हे 4 फणी आहे। हा, तुम्ही दोन ओळीतलं अंतर 4 इंच आहे, याच्यामध्ये तुम्ही दोन ओळीतलं अंतर 3 इंच पासून पुढे किती करू शकता, त्याच्यामध्ये पाठीमागे पुढे फन करता येतात कल्टिवेटर सारखं। त्याच्यानंतर ते प्रोसिडर म्हणून आहे, त्याच्याने तुम्ही मोठे बिया जसे की सोयाबीन, कापूस, तूर, मका, कपाशी वगैरे सगळं पेरू शकता। आणि इन केस जर हे एक्सपो संपल्यानंतर लोकांना कॉन्टॅक्ट करायचं असेल तर हे कॉन्टॅक्ट नंबर? त्याचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे एक्सपो संपल्यानंतर 9270099000। ठीक आहे, या नंबरवरती आपण संपर्क साधू शकता, 9270099000। ठीक आहे, थँक्यू। अरे अग्रो रूममध्ये 4 ते 5 सेन्सर लागला त्याच्या जातीसाठी, ते सर्व मी म्हणलं 4 ते 10 लाखामध्ये कॉस्ट आहे, 4 लाखामध्ये आम्ही एकच बॅटरी देतो आणि सेन्सर नाही देत, 10 लाखामध्ये आम्ही 4 सेन्सर आणि 1 तासाचे बॅटरी बॅकअप देतो। ते जर केलं तर तुम्ही एका दिवसामध्ये 15 ते 20 सेकंद। महत्वाचा एक प्रश्न आहे, वातावरण सगळ्यांना माहित असतं, इन केस विंडी वातावरण असलं तर हे ड्रोन किती विंड पर्यंत ड्रेन करू शकतो? सध्या 35 किलोमीटर पर आवर पर्यंत तो रिझिस्ट करू शकतो। येस, करेक्ट। आणि पण ऍक्च्युली आता टेक्निकली तुम्ही विचारलं, मी सांगतो, ड्रोन दुपारी गिपारी मारल्यावर तेवढं स्प्रे होत नाही। वन ऑफ द बेस्ट फॉर एलर स्पेरिंग टाइम आहे 6 to 8 मॉर्निंग आणि इव्हिनिंगला 4:30 to 7, त्याच्या मधा मध्ये नंतर मारला तर तेवढं इफिशियन्सी नाही जेवढं तेवढ्या त्या टाइमवर येतो। कधीपासून तुम्ही हे करताय? 2018, दॅट मीन्स 3 इयर्स। आणि ऍक्च्युली आमच्याकडे, ऍक्च्युली आय एम द टेक्निकल डायरेक्टर, सो आय हॅव कम्प्लिटेड माय बॅचलर एज वेल मास्टर्स इन एरोस्पेस विथ स्पेशलायझेशन इन यूएस। ओ, दॅट्स वंडरफुल, दॅट्स वंडरफुल। सो दॅट्स आय एम, म्हणजे लायसन्स लागतं ड्रोनचा? हा, ऍक्च्युली ऍज पर गव्हर्नमेंट प्रत्येक शेतकरी लायसन्स घेऊ शकत नाही। अधिक बरोबर आहे, तर बट त्यांनी आता शेतकरी असे घेतात नाही, फ्लाय करत आहेत, बट जर शेतकऱ्यांना जे आता सबसिडी निघणार त्याचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्यांना DGCA लायसन्स घेणं मॅन्डेटरी। लास्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन तुमच्याकडनं एवढीच अपेक्षा आहे की फॉर प्रमोशनल पर्पज कॅन यू फ्लाय इट आउट? ह्याचा म्हणजे ड्रोन फ्लाय करायसाठी तुम्ही ग्रूम पण करतात का फक्त ड्रोन घेतला आणि विषय संपला? म्हणजे थोडक्यात आता ह्याच्यामध्ये भरपूर असे असणार की त्यांनी ड्रोन काय कार पण चालवली नसेल आयुष्यात, तर त्यांना जर ड्रोन फ्लाय करायचं असेल तर त्यांना एखादा एक्सपर्ट हायर करायला लागणार किंवा ते स्वतः करू शकतात? एवढं युजर फ्रेंडली आहे का? माझा पॉइंट ऑफ व्ह्यू हेच म्हणायचं होतं तुम्हाला, कारण की बघा, आम्ही ड्रोन शेतकऱ्यासाठीच बनवलं, ऑब्व्हियसली आम्ही बिझनेस करत, ओके, बट त्यांना जर ड्रोन समजलाच नाही तर आम्ही वेस्ट टाइम, आमचा वेस्ट आहे, मनी वेस्ट। हा, आम्ही त्यांच्याच हिशोबानेच बनवतो। आम्ही ऍक्च्युली 2018-2019 आम्ही खूप शेतकऱ्यांची, इफ यू डोंट माइंड, बस फक्त म्हणजे सॉरी टू इंटरप्ट, म्हणजे ह्यांच्यामध्ये कुठलाही एक माणूस तुम्ही घेऊन त्यांना एक्सेसिबल करू, म्हणजे चालवा तुम्हीच, पण त्यांना ग्रूम करू शकता का तुम्ही थोडक्यात की बाबा हे असा फ्लाय करायचं असतं,
म्हणजे यू फ्लाय हा, पण त्यांना त्यांना जर तुम्ही ग्रूम करू शकता तर हे व्ह्युअर्सला पटकन समजणार की जर ह्यो माणूस समजू शकतो तर कुणीही समजू शकतो. नो नो नो, आय एम नॉट आस्किंग यू टू हेल्प देम फ्लाय, आय एम नॉट, माझा मोटिव्ह आहे की मी त्यांना एज्युकेट, नाही नाही डेफिनेटली आय विल हॅपी टू, तुम्ही फक्त एज्युकेट करा, ग्रूम करा, म्हणजे थोडक्यात त्यांच्यामधलं ऑडियन्स मधलं एक कोण असायला पाहिजे की ज्याला पण समजायला पाहिजे बाबा ही सोप्प आहे समजायसाठी, काय म्हणता रो का या बाबा तुमच्यामध्ये कोण येत आहे बघा, हा ये की भैया या, पण ऐक हे सगळं बघितल्यानंतर स्पष्ट शब्दाने सांगायचं की तुला समजलं का नाही, हा हा, म्हणजे थोडक्यात पाऊस बिऊस आला तर सस्टेन करू शकतो, ते सर्व्हाइव्ह करू शकतो. लोकस्ट यु नो लोकस्ट तोडझाड आलेली होती, हा तोडझाड मध्ये ऍक्च्युली गव्हर्नमेंटने काय आलं, प्रत्येक स्टेटला कंपनी सारखी होती, महाराष्ट्र आपल्याच कंपनीने, हा हा, तेव्हा पावसामध्ये पण फ्लाय केला, हा तेव्हा आम्ही पाऊस आल्यानंतर आम्ही लँड करत होतो, हा क्लीन करून पुन्हा फ्लाय करत होतो. ओके, भरायला सोपं आहे का? भरायला सोपं आहे, हा नाही तो तेवढंच आहे बस का, ठीक आहे. पहिले उडवायचं, पहिले आपल्याला कनेक्ट करायला लागतं, पहिले हे सुरू करायचं, हे मागे बटन आहे सुरू झाला, ठीक आहे, म्हणजे तो सांगतो पटकन कनेक्ट झालं, हे करा सांगतो इथं तिरप दिसत, इथे स्ट्रेट आहे, इथे पण तिरप आहे, इथे पण स्ट्रेट आहे, दिसलं हे बघा, हे असं असंच लावायचं, लाव काय ना लाव टाका, अंदर अंदर पण जात टाका टाका, म्हणजे हे फ्यूज आहे, कनेक्ट झालं तुमचं, फ्यूज आहे, फ्यूज दोन दोन लावायचं, दोन लावायचं, फ्यूज ए आणि फ्यूज बी, फ्यूज ए आणि फ्यूज बी, त्याला मार्किंग आहे का ते, रेड ब्लॅक, ओके, म्हणजे हे लाईट आलं, बीप आलं, म्हणजे हे कनेक्टेड झालं, थोडक्यात मॅन्युअली स्टडी. आपण आता जेव्हा रिपोर्ट आम्ही मागे आपला लोड व्हायचं, आपल्याला मागे जावं लागेल सर, प्लीज मागे, तुम्ही पण मागे, ओके ओके, फॉर सेफ्टी. अप्रॉक्सिमेट दोन मीटरचं अंतर ठेवायचं, म्हणजे ड्रोन पासून दोन मीटर जास्त राहील तेवढं सेफ्टी, ठीक आहे सर, थोडे मागे मागे होतं का, बट जो नवीन आहे तो नाही फ्लाय करतो, दॅट्स टेक ऑफ अँड लँड मी करतो, बाकी तो करतो, ग्रीन म्हणजे जिथं म्हणजे जिथं नाही झालेला, एच म्हणजे हा आपला होम पोर्ट, हा एरो दिसतोय का, हा वाला एरो, हा एरो म्हणजे आपला ड्रोन, आणि जो एरोचा तो असा पॉइंट आहे तो म्हणजे फ्रंट पॉइंट, हे दिसत आहे हा म्हणजे आपला रिमोट, म्हणजे आपण ड्रोनच्या मागे, ठीक आहे, थांबा सर मागे मागे थोडं मागे मागे, चला चला जरा मागे हो, चला गावले थोडी जागा द्या, हो दादा थोडा पेशंट ठेवा ना आतमध्ये, पडला तर मग आमच्या अंगावर आजचे, मागे मागे मित्रांनो जरा धीर ठेवा, जागा द्या यांना, सुरू करताना हे सुरू करा, ऑन झाला आवाज आला किती म्हटलं सुरू झाला तो, आता सुरू झाला, ऑन झाला, आता वरती गेलो तर उडणार, बिलकुल हळू बिलकुल हळू बिलकुल, जेवढं जेवढं केलं ना बघा, जेवढं हळू केलं ना तेवढं चांगलं आहे, सुरू केलं जेवढं फास्ट केलं तेवढं तू बिलकुल केलं, मागे मागे नाही करायचं, आता पाणी संपलं तिथं जागा सांगा, तुम्ही काय केलं तरी काय सांगा, पाणी संपलं जागा जागेवर सांगा, मग तुम्हाला माहित पडतं की पाणी संपलं, आता मला फक्त एवढं सांगा की तुम्ही पहिल्यांदा आपल्या आयुष्यात हे ड्रोन वापरताय बरोबर, तर हे समजायला जरा सोपं झालं का नाही, सोपं झालं का नाही झालं, खरं सांगा सोपं झालं, म्हणजे एकदम क्लिअर कट, म्हणजे तुम्ही समजू शकता म्हणजे कुणीही समजू शकतो आरामात, काही अडचण नाही, काय हरकत नाही. आपलं नाव? स्वप्नील. स्वप्नील, मला तुमचं ब्राउझर किंवा पॅम्पलेट द्या, मी माहिती डिस्क्रिप्शन मध्ये टाकतो, जे काही इंटरेस्टेड बायर असतील ते तुम्हाला संपर्क करणार, ठीक आहे, चला, थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच.
दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने जो ये बच्चे नाच रहे हैं ना, ये वन ऑफ द बेस्ट स्टाइल है प्रमोट करने के लिए। आप देख पा रहे होंगे ऐसे एक्सपो में जब बच्चे नाचते हैं तो क्राउड गैदर होता है, और क्राउड को किस तरह चैनलाइज करना है इस बिजनेसमैन से सीखे। ये अपने शहद को प्रमोट करने के लिए बच्चों को 20 के कॉस्ट्यूम में नचा रहा है ना, ये अमेजिंग प्रमोशन स्टाइल। ऐसे ही कुछ हटके आप भी प्रमोट करें। अब आपके स्क्रीन के सामने जो नज़र आ रहा है वो है शेल फार्मिंग। अब आप सोच रहे होंगे ये शेल फार्मिंग, सिप्पी की फार्मिंग क्या होती है? असल में आप सब जानते हैं कि मोती जो है वो सिप्पियों से निकलता है, और यहाँ पे आप किस तरह मोती की फार्मिंग कर सकते हैं, सिप्पी की फार्मिंग कर सकते हैं, वो भी दिखाया गया है। अब आपके स्क्रीन के सामने मैं इनका यूट्यूब चैनल भी आपको दिखाऊंगा, जिससे आप और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस तरह कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और आप इसके फार्मिंग में किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको मैं लेके चलता हूँ उनके पेज पे। देखिए आपको नज़र आ रहा है उनका यूट्यूब पेज, यहाँ पे आप जाके एडिशनल इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। दोस्तों अब इतना घूम लिए हैं तो थक गए हैं, तो अब थक गए हैं तो अपने आप को रिचार्ज तो करना होगा, और रिचार्ज करने के लिए हमें फटाक से कुछ खाना चाहिए। तो मैं आपको लेके चलता हूँ खाऊ गली। महाराष्ट्र में खाऊ गली को जत्रा के नाम से भी पहचाना जाता है, और अगर आपकी जेब में कैश नहीं है तो चिंता ना करें, हमेशा खाऊ गली के बाहर इस एक्सपो में आपको PDCC बैंक का मोबाइल ATM नज़र आएगा, तो यहाँ से आप कैश भी निकाल सकते हैं या फिर QR कोड और UPI के माध्यम के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं। जितने भी छोटे से बड़े खाद्य पदार्थ की विक्री करने वाले जितने व्यापारी हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करूँगा कि आप इस एक्सपो में ज़रूर अपना स्टॉल लगाएं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए। आने वाले एक्सपो में आप अपने खाद्य पदार्थ की विक्री यहाँ पर बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, और अगर आपके पास कुछ लजीज है खिलाने लायक तो आप यहाँ पे अवश्य आए, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 दिन के एक्सपो में 10 से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना होती है, तो आप ये 3 से 4 दिनों में लखपति भी हो सकते हैं, तो आप अपना लक क्यों ना ट्राई करें। अगर आपके खाने में है स्वाद तो यहाँ बनेगी आपकी बात। तो चलिए एक स्टॉल पे लेके चलते हैं। पहले बाजा बसुन बोले ले पापड़ है सर, जीरा राइस है, टोमेटो है, पुदीना पापड़ है, ये नाचनी से प्योर नाचनी से प्योर नाचनी प्योर नाचनी से पापड़ है, ये लसूण पापड आहे, ते पालक आहे, उडदाचे आहेत, नाचणीचे हे उडीद आले, ते नाचणीचे बॉबी, ते उडदाचे खाली झाले, अच्छा ते उडदाचे, ते नाचणीचे बॉबी नाचणी आहे, पालेभाज्याचा रस काढून बनलेला आहे। ओके, आणि जर एखाद्यानं कोणाला ह्या एक्सपो नंतर पण तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करायचं असेल तर कॉन्टॅक्ट नंबर कार्ड आहे आपल्याला, हा कार्ड दाखवा, ठीक आहे। हे तुमचं स्वतःचं उद्योग? अच्छा अच्छा, म्हणजे तुम्ही दोघं कामाला आहेत आणि बेलगाव वरून आलेत का तुम्ही? नाही आम्ही गडिंगला, आम्ही तिथून आमचं मालक त्यांच्याकडे मागून घेतात, असं आहे का? आम्ही नरेवाडीत राहतो, असं आहे का? आता हे सगळे नॅचरल, पण हे ऑइल फ्राय आहे ना? नाही ऑइल मध्ये केलेलं सर, तुम्ही विदाउट ऑइल पाहिजे तर मॅक्रॉन पॉपकॉर्न मशीन मध्ये बनवू शकता तुम्ही, करू शकता, ऑइल मध्ये बनलेलं आहे, म्हणजे हे प्युअर नॅचरल हर्बल, नॅचरल येते। हे पाकिट कितीला आहेत? हे कितीला आहे? हे कोणतं विकास सर, तुम्हाला 60 ला 1 100 रुपयाला 2 पॅकेट, हा म्हणजे 60 ला 1 आणि 100 ला 2। दोस्तों अब जबकि पेट पूजा हो चुकी है, चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं स्टार्टअप और इनोवेशन की तरफ। यहाँ पे आपको असली कैलिबर, असली शार्क टैंक दिखेगा बिल्कुल लाइव, क्योंकि यहाँ पे इजीली आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये ज़रूरत की चीज़ आपकी है कि नहीं। यहाँ पे आपको कई स्टॉल्स दिखेंगे, कई ईवी ट्रिलर दिखेंगे और बहुत से इन्वेंशंस दिखेंगे, तो आप अपने अनुसार जो है अपने सूटेबल वस्तु को जो है शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो चीज़ देखने के लिए आपको खुद हाजिर होना ज़रूरी है। तो अभी आज है 13th of February 2022 तक ये एक्सपो है, और इस साल अगर आप एक्सपो में नहीं आ पाए तो अगले साल अवश्य आइएगा, क्योंकि बारामती जो पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आता है, यहाँ पे इंडिया के हर एक कोने से लोग आते हैं, और इसी की एक जीती जागती मिसाल आपको यहाँ बॉम्बू सॉक्स में मिलेगी। ये ऑर्गेनिक बाम्बू वर्ण बनू लेगा, हाँ। काई प्राइस है आणि युनिव्हर्सल साईज आहे का? साईज वेगळे वेगळे पण आहेत, युनिव्हर्सल साईज 4 पासून 11 नंबर पर्यंत ऍडजस्ट, हा म्हणजे युनिसेक्स आहे, थोडक्यात मेल फिमेल दोघी घालू शकतात। आणि कितीला कॉस्टिंग बसते? 200 रुपयाला, 200 रुपीज। आणि ह्याची लास्टिंग किती पर्यंत, म्हणजे वर्षभर चालतं का? तुमच्या वर्षभर नाही एवढं कोण वापरत, रेग्युलर वापरणार असेल तर
सहा महिने दररोज वापरत असतात ते, सहा महिने सात महिने. बांबू बरोबर फायबर्स वगैरे काय मिक्स केलं का प्युअर बांबू? प्युअर बांबू आहे, त्याच्यामध्ये इलॅस्टिक 5% आपल्याला टाकायला लागतं ते युजिबिलिटी आहे. ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दॅट नथिंग एल्स. आणि हे कन्सर्न पर्सनचा कॉन्टॅक्ट नंबर, म्हणजे जर होलसेल मध्ये कोणाला डील करायचं असेल तर ह्याच्यावर ते संपर्क साधू शकतात. दोस्तों, इनोवेशन और स्टार्टअप देखने के बाद हमारा अगला स्टॉप है एनिमल शो. एनिमल शो यहाँ पे सारे डोमेस्टिक एनिमल्स आपको मिल जाएंगे. और अगर आप एक बिजनेसमैन है और आपको अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है अपने डोमेस्टिक एनिमल्स की विक्री करने की, तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भविष्य में आप अपने स्टॉल को बुक कर सकते हैं. यहाँ पे 1,000,000 से ज़्यादा ऑडियंस का हुजूम होता है, तो आपके विक्री के, आपके लीड जनरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. यहाँ पे डॉग्स में जर्मन शेपर्ड, साइबेरियन हस्की और लोकल ब्रीड्स अवेलेबल थे, पर अगर आपके पास डॉग्स में बहुत से ब्रीड्स है तो आप इस प्लेटफॉर्म का ज़रूर वापर कर सकते हैं. साथ ही साथ राजस्थान में जो घोड़ों का बाज़ार है वो फेमस है, तो अगर वहाँ के कोई व्यापारी यहाँ पे आके अपने घोड़ों की विक्री करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है. तो आप इस प्लेटफॉर्म का वापर करके पैन इंडिया में अपनी विक्री बनाएं और साथ ही साथ महाराष्ट्र में अपना डंका बजाएं. बिजनेस करने के लिए आपको बिजनेसमैन होना ज़रूरी नहीं, बिजनेस करने के लिए आपके पास नीयत होनी चाहिए बिजनेस करने की, क्योंकि हर जो बंदा नीयत करता है, हर जो बंदा कोशिश करता है, मेहनत करता है, वो बिजनेसमैन कहलाता है. बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास फाइनेंस हो, अगर आपके पास दिमाग है तो पैसा अपने आप आएगा, क्योंकि मैंने उन लोगों को भी पैसा बर्बाद करते देखा है जिनके पास पैसा तो था पर दिमाग का वापर करना नहीं आया. तो अगर आपके पास दिमाग वापर करने की क्षमता है तो आप पैसा यहाँ पर बना भी सकते हो, पैसा यहाँ पर कमा भी सकते हो. चलिए अब आगे कुछ जानवरों को और देखते हैं. दिसायला सुंदर अशी गाय आपण पाहतोय, काजळी खिला, कालवडीची वय 12 महिने, कालवडीची मालक सुन. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ फाइनली आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि किस तरह ये जो कृषि एक्सपो होता है, ये जो कृषि मेला होता है, ये कितना खूबसूरत होता है और क्यों आप में लगभग हर एक व्यक्ति को यहाँ पे आके इसको एक्सप्लोर करना चाहिए. और खास तौर पे मैं उन एंटरप्रेन्योर्स की बात करूंगा जो छोटे स्केल पे काम करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या माइक्रो स्केल इंडस्ट्री पे काम करते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो अवश्य यहाँ पे आए और यहाँ को जरूर एक्सप्लोर करें और इस तरह के जो भी खाद्य पदार्थ के ट्रैश होते हैं उसे इस तरह के ट्रैश कैन में डालें, कचरा ना करें, क्योंकि स्वच्छ रहेगा भारत तो सुंदर दिखेगा भारत. मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और भी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए. तो अभी तक के लिए मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आपसे इजाजत चाहता हूँ. अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.